शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने के लिए, चाहे पिरुएट दर्शाना हो, कोई वाद्य बजाना हो या बेसबॉल फेंकना हो, अभ्यास आवश्यक होता है। अभ्यास सुधार के लक्ष्य के साथ एक क्रिया की पुनरावृत्ति है और ये अधिक आसानी, गति और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करने में हमारी मदद करता है। तो अभ्यास हमारे दिमाग में चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है? हमारे मस्तिष्क में दो न्यूरल ऊतक होते हैं, धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थ। धूसर पदार्थ सूचनाओं को संसाधित करता है, तंत्रिका कोशिकाओं को संकेतों और उत्तेजनाओं को निर्देशित करता है। सफेद पदार्थ वसायुक्त ऊतक और तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। हमारे शरीर को गति देने, जानकारी को मस्तिष्क के धूसर पदार्थ से रीढ़ की हड्डी के नीचे अक्ष तंतु नामक तंत्रिका तंतुओं की श्रृंखला से हमारी मांसपेशियों तक जाना होता है। तो अभ्यास या पुनरावृत्ति मस्तिष्क की क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? सफेद पदार्थ में मौजूद अक्ष तंतु मायलिन नामक एक वसायुक्त पदार्थ से लिपटे होते हैं और ये मायलिन कवरिंग या शीत है जो अभ्यास के साथ बदलता प्रतीत होता है। मायलिन बिजली की केबल पर इंसुलेशन के समान है। ये विद्युत संकेतों से ऊर्जा हानि को रोकता है, उन्हें तंत्रिका मार्गों के साथ अधिक कुशलता से ले जाता है। चूहों में हाल के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक गति की पुनरावृत्ति से मायलिन शीत की परतें बढ़ जाती जो अक्ष तंतु को इंसुलेट करती है, और जितनी अधिक परतें होंगी उतना ही अधिक इंसुलेशन होगा, जिससे मस्तिष्क को आपकी मांसपेशियों से जोड़ने वाली जानकारी के लिए एक प्रकार का सुपर हाईवे बनाता है। इसलिए जबकि कई एथलीट और कलाकार अपनी सफलता का श्रेय मांसपेशियों की स्मृति को देते हैं, मांसपेशियों में वास्तव में स्मृति नहीं होती। इसके बजाय ये तंत्रिका मार्गों का माइलिनेशन हो सकता है जो इन एथलीटों और कलाकारों को तेज और अधिक कुशल तंत्रिका पथ के साथ अपनी बढ़त देता है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक घंटों, दिनों और यहां तक कि वर्षों के अभ्यास को मापने का प्रयास करते, जबकि हमारे पास अभी तक कोई जादुई संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि महारत केवल अभ्यास के घंटों की मात्रा के बारे में नहीं है, ये उस अभ्यास की गुणवत्ता और प्रभावशीलता भी है। प्रभावी अभ्यास सुसंगत, गहन रूप से केंद्रित होता है और किसी की वर्तमान क्षमताओं के मूल में स्थित विषय या कमजोरियों को लक्षित करता है। प्रभावी अभ्यास ही कुंजी है, तो हम अपने अभ्यास समय का लाभ कैसे उठा सकते हैं? ये सुझाव आजमाएं। चालू कार्य पर ध्यान रखें, कंप्यूटर या टीवी को बंद करके और अपने सेलफोन को एयरप्लेन मोड पर रखकर संभावित ध्यान भंग को कम करें। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 260 छात्रों को अध्ययन करते देखा। औसतन वे छात्र एक बार में केवल 6 मिनट के लिए काम पर बने रहने में सफल रहे। लैपटॉप, स्मार्टफोन और विशेष रूप से फेसबुक अधिकांश विकर्षणों के जड़ में थे। धीरे धीरे या धीमी गति से शुरू करें, समन्वय दोहराव से बनता है, चाहे वो सही हो या गलत। यदि आप गुणवत्ता दोहराव की गति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपके पास उन्हें सही ढंग से करने का एक बेहतर मौका है। इसके बाद आवंटित ब्रेक के साथ बार बार दोहराव अभिजात्य कलाकारों की सामान्य अभ्यास आदतें हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कई शीर्ष एथलीट, संगीतकार और नर्तक अपने शिल्प से संबंधित गतिविधियों पर प्रति सप्ताह 50 से 60 घंटे व्यतीत करते हैं। कई लोग अपने प्रभावी अभ्यास के लिए उपयोग किए गए समय को सीमित अवधि के कई दैनिक अभ्यास सत्रों में विभाजित करते हैं। अंततः मस्तिष्क में विशद विस्तार से अभ्यास करें। ये थोड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चलता है कि एक बार शारीरिक गति स्थापित हो जाने के बाद इसे केवल कल्पना करके ही मजबूत किया जा सकता है। एक अध्ययन में 144 बास्केटबॉल खिलाड़ियों को दो समूहों में बांटा गया। समूह ए ने शारीरिक रूप से फ्री थ्रो का अभ्यास किया, जबकि समूह बी ने केवल मानसिक रूप से अभ्यास किया। जब 2 सप्ताह के प्रयोग के अंत में उनका परीक्षण किया गया तो दोनों समूहों के मध्यवर्ती और अनुभवी खिलाड़ियों में लगभग समान मात्रा में सुधार हुआ था। जैसे जैसे वैज्ञानिक हमारे दिमाग के रहस्यों को जानने के करीब पहुंचेंगे, प्रभावी अभ्यास के बारे में हमारी समझ में सुधार होगा। इस बीच प्रभावी अभ्यास ही हमारे पास अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को बढ़ाने, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने और अपनी क्षमता को अधिकाधिक करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अब जब आप जानते हैं कि अभ्यास आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है, तो इस वीडियो के साथ एक वाद्य यंत्र बजाने के सकारात्मक प्रभावों का पता लगाएं या इस वीडियो के साथ द्विभाषी होने के लाभों का पता लगाएं।